प्रायोजक हैं प्रियंका ज्वेलर्स नई बाजार मैरवा। डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और चौथे जुमेरात। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार प्रणाम। हम है राहुल भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज के 6 जुलाई के फटाफट खबर लेके आ गए बनी। तो इससे पहले एगो गुजारिश बा कि प्रवीण मिश्रा बुलबुल जो सर्च करता नहीं हमारा गीत संगीत के टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी या बड़ा बड़ा कैसेट कंपनी से सुनता नहीं, प्यार देता नहीं, आशीर्वाद देता नहीं, वहीं हमरा के ई भोजपुरी बतकही चैनल के शेयर करी, सब्सक्राइब करी। बहुत सारा लोग डुप्लीकेट भोजपुरी बत कही भी बनौले बात, तो प्रवीण मिश्रा बुलबुल के सर्च करें, भोजपुरी बत कही लिखें तो हमार गाना, हमार सारा चैनल आई। सब्सक्राइब करी, शेयर करी। चली बिना देर कहले हमनी के शुरू कर ली फटाफट खबर। मेन खबर जौन रुआ के जानल बहुत जरूरी बा, इम्पोर्टेंट खबर। तो आज के एक नंबर खबर बा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जौन बानी वहाँ के लगातार अब अनलॉक शुरू कर देनी, आ जौन संक्रमण बा कोरोना संक्रमण वो कुछ धीराइल बा, तो ओकरा के लेके एगो बहुत अहम फैसला कि काल से जौन माने दसवां से ऊपर जितना स्कूल कॉलेज रही वो खुल जाए। हालांकि दसवां से नीचे पहला से लेके दसवां तक जितना स्कूल कॉलेज रही वो अभी बंद रही, और धार्मिक स्थल जौन भी बा वो अभी बंद रही। रुरा के और ही बता दी कि जितना ही भी सार्वजनिक स्थल बा ओजा निजी कार्यक्रम के आयोजन अब हो सकेला, माने धार्मिक निजी रउरा जौन भी आयोजन बा ओकरा के हो सकेला। आ चूँकि अभी भी कोरोना पूर्ण रूप से खत्म नहीं है भइल अपना राज्य से अपना देश से, तो मास्क जरूर लगाई, आपसी दूरी जरूर बनाई, लेकिन रुआ के बताएं कि सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक आयोजन पर अभी रोक रही। हालांकि नीतीश कुमार जी अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री जो मानी वहाँ के ट्वीट करके कहनी है कि धीरे धीरे अब अनलॉक के प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि अब धीरे धीरे हमनी के मुक्त कर दिया जाए, आ हो सकेला कि चुनाव के भी बिगुल बहुत जल्दी बाज जा। रउरा के एगो बात बता दी कि जन अनलॉक शुरू भले में नाइट कर्फ्यू में भी स्वास्थ्य सेवा खातिर निजी वाहन के उपयोग अब कल जा सकेला, निजी वाहन चला सकनी, लेके कहीं आ जा सकनी। एगो रुरा के अलर्ट आइल बा, बता दी कि बहुत अहम खबर आ रहा बा कि 24 घंटा में भारी बारिश आ वज्रपात के अलर्ट बा। एकरा के लेके मौसम विभाग के एगो बहुत बड़ा सूचना आ रहा बा कि बिहार में भारी बारिश आ वज्रपात हो सकेला, ओकरा के रुआ बची। और अहम खबर एगो रुआ के दे रहा बानी कि तमाम नदी बाड़ी सन और नदी कुल में तेवर जौन बा कुल के धारा बहुत उग्र हो गई बा, ओकरा के लेके बिहार के कई गो नदी लगातार उफान पर बाड़ी सन, जौन के लेके बाढ़ के संकट गहरा गई बा। रउरा के बता दी कि जौन कई गो नदी बाड़ी सन जैसे लालमती नदी, गंगा बगल में अपना सिवान जिला के बगल में सरजू नदी, आ दरौली, रघुनाथपुर, शिशवन क्षेत्र से होके जौन गुजरेली वो नदी के स्थिति तेवर अपना खतरा के निशान से ऊपर ही बहतरी, तो खतरा बा। लगातार बारिश के वज्रपात के भी आशंका जतावल जाता। रउरा के बता दें कि जौन खबर आ रहा बा मौसम विभाग के उमें लिखल बा कि गंगा भी दिखाने लगी अपनी रुतबा, माने गंगा नदी के भी जौन एगो लेवल रहेला कि बाढ़ ओकरा से एगो लेवल बा, एगो पॉइंट बनावल जाला कि बाढ़ ओकरा पानी ऊपर आई तो ओकरा जलस्तर जब बढ़ी तो बाढ़ के आ जाए, तो पानी के जौन लेवल बा जौन सीमा रेखा बा ओकर पार हो गई बा, माने गंगा भी अपन तेवर देखावे लागली। एकरा अलावा जौन खबर आ रहा बागमती, बूढ़ी गंडक समेत
जितना नदी बाड़ी सन खतरा के निशान पर जौन बा ओकरा ऊपर से बहत आई सन। तो बहुत बड़ा खबर, मोतिहारी शहर पे भी बाढ़ के खतरा मंडराए लागल बा। रउआ के एक और बात बता दें कि भारत के भारत विश्व कोविड टीकाकरण प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म उपलब्ध करावे जाता है। एगो अहम खबर आ रहा बा कि भारत जौन बा इंडिया में अब विश्व कोविड टीकाकरण डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुई। माननीय नरेंद्र मोदी जी के एगो बहुत बड़ा ऐलान आइल बा, बहुत अहम खबर आ रहा बा कि अब भारत पूरा विश्व के कोविड के टीकाकरण के प्लेटफॉर्म उपलब्ध करावे जाता है। एगो बहुत अहम खबर, एमे कई देश के मीटिंग भइल ह वीसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ओमे कई देश के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल भइल हलो। आ एमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एगो कोविड महामारी से निपटे खातिर एगो अहम फैसला लेनी है, जो में पूरा विश्व के टीकाकरण के प्लेटफॉर्म अपन भारत आयोजित कराई। बहुत अहम खबर हमनी के आज, बहुत ही खुशी के बात बा कि भारत आज महाशक्तिशाली देश बन के उभर के सामने आता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब फिर काल लेके आए फटाफट खबर। अगर एक दो दिन खबर में लेट होके तो रुआ घबराए मत, काहे कि कुछ व्यस्तता के कारण खबर एक दो दिन ना बोल सकनी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।